हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा होम डेकोर आइडिया। आज मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपके साथ एक इजी सा डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने एक ग्लास बोतल लिया है जो कि एक सॉस का खाली बोतल है। यहाँ पे देखिए ग्लू अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया है, बट कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे इसको जैसो अप्लाई करना है। आप चाहे तो चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट एक्लेरिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट जैसो हमारे एक्लेरिक कलर को होल्ड करता है और फर्दर पेंट रेडी करता है। और जब भी हम ब्रश पे बेस कोट अप्लाई करते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप हमेशा स्पंज की हेल्प से ही करें, ब्रश की हेल्प से ना करें, क्योंकि ब्रश से हमारे स्ट्रोक रह जाते हैं। सो देखिए फर्स्ट कोटिंग में हमारा कितना क्लियर आया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है ये टिश्यू पेपर जो कि मैंने एक लोकल मार्केट से ही लिया था, मैंने सिविट्स वगैरह से नहीं लिया था। अभी यहाँ पे इसको हम टियर कर लेंगे, हमें यहाँ पे शार्प एजेस नहीं चाहिए, तो सो हम सीजर वगैरह की हेल्प से इसको कट नहीं करेंगे। और जब भी हम अपने डिकोपाश नैपकिन को यूज़ करते हैं तो ऑलवेज हम हमेशा जो है मोर पुश ग्लू का यूज़ करते हैं। सो इसको बेस में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भी अप्लाई नहीं करना है क्योंकि कई बार हमारा टिश्यू जो होता है वो फट जाता है फिर। और कुछ टिश्यू हमारे 2-ply आते हैं, कुछ 3-ply आते हैं, ये वाला टिश्यू मेरा 2-ply है, तो इसकी जो प्लाई है उसको हम रिमूव कर लेंगे। बेस में अच्छे से यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे हम अपने टिश्यू पेपर को लगाएंगे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे DIY ऑलरेडी शेयर किए हैं कि आप कैसे डिकोपाज कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमें यहाँ पे ऊपर की साइड से ड्राई ब्रश की हेल्प से इसको प्रेस करते हुए जाना है, या फिर आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट शीट भी ले सकते हैं, उससे भी यहाँ पे कोई भी रिंकल वगैरह नहीं आएंगे। और हमें थोड़ा थोड़ा अप्लाई करते हुए जाना है, एक साथ पूरे बेस में अप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज हमारा टिश्यू पेपर जो है वो फट जाएगा। इसी के साथ देखिए नीचे की साइड हम, या तो एक्स्ट्रा है तो आप उसको सैंड पेपर की हेल्प से भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे की साइड इसको फोल्ड कर दिया है, जो भी एक्स्ट्रा पेपर हमारा था। अब सेम ऐसे ही ऊपर की साइड में यहाँ पे अप्लाई करूंगी, क्योंकि ऊपर जो है वो कर्व वाला एरिया है, सो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे टियर कर करके ही उस जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कवर करेंगे, क्योंकि नीचे वाला प्लेन था तो उस पर कम्प्लीट आ गया है। अब यहाँ देखिए कुछ पार्ट में हम इसको डिवाइड करने के बाद इस ऊपर वाले पोर्शन को कवर करेंगे। जो एक्स्ट्रा पेपर है ऊपर की तरफ उसको मैं यहाँ पे टियर कर लूंगी, कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पे इसको टियर कर लिया है। अब जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है उसको भी हम यहाँ पे कवर कर देंगे। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में इसको फाड़ लिया है, देखिए हमें ये बहुत शार्प एज था नीचे का, सो मैं भी इसको थोड़ा सा यहाँ पे टियर कर लूंगी, क्योंकि जब भी हम टियर वगैरह नहीं करते हैं तो वो मर्ज नहीं हो पाता है और ऐसा लगता है कि हमने जैसे एक्स्ट्रा ही कुछ लगाया है, यानी कि वो हमारे बेस के साथ मर्ज नहीं होता है। कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे भी लगा देंगे और जितना भी बचा हुआ बोतल पे पोर्शन है उसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है कि हमने यहाँ पे कुछ जॉइंट अप्लाई किया है। अब चलते हैं बोतल के टॉप पार्ट की तरफ। सो यहाँ पे जो मेरे टिश्यू पेपर के फ्लावर का जो कलर दिया हुआ था मैंने उससे इसको कलर कर दिया है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के प्रिंट का टिश्यू पेपर यूज करते हैं, उसी के बेस का हमें यहाँ पे उसको मर्ज करते हुए वो कलर अपने बोतल के ऊपर अप्लाई करना होता है। अब लास्ट में यहाँ पे मैं 2 coat अप्लाई कर दूंगी हमारे मोर पोच ग्लू की, इसको कम्प्लीटली सिक्योर और सेफ बनाने के लिए, वाटर प्रूफ बनाने के लिए। और लास्ट में जब मोर पोच हमारा ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे वार्निश। वार्निश का भी 1 से 2 coat अप्लाई कर देते हैं तो वो कम्प्लीट हमारा वाटर प्रूफ बन जाता है और हमारा DIY जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे साथ बना रहता है। इसी के साथ हमारा आज का DIY कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए DIY के साथ। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है वर्षा होम डेकोर आइडिया। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।